सुषमा मिश्रा। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। राजस्थान में पिछले 12 दिनों में कोरोना की भयानक तस्वीर देखने को मिली है। सूबे में एक्टिव केस की संख्या 36,441 से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो गया है। लगातार कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने राजस्थान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सूबे में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या से कोरोना रिकवरी रेट भी तेजी से नीचे गिर रहा है। मंगलवार को राज्य में रिकवरी रेट 89.34% दर्ज किया गया। इधर शहर में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही अब अस्पतालों में भी भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। राजधानी के सबसे बड़े कोविड डेडिकेट अस्पताल RUHS में 9 दिन में ही 44% मरीज बढ़े हैं। 2 अप्रैल को 1200 बेड वाले RUHS में केवल 120 मरीज थे और इस वक्त अस्पताल में 504 मरीज हैं, जिनमें 86 कोरोना मरीज ICU में हैं, तो 6 मरीज वेंटिलेटर पर है। जनवरी फरवरी में जब कोरोना डाउनफॉल पर था, तब मार्च के पहले हफ्ते में RUHS में सिर्फ 20 मरीज थे। मुख्य सचिव ने सोमवार को प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों के अधिकारियों के साथ बैठक कर 100 या उससे ज्यादा बेड्स के अस्पताल में 25 की जगह 30% बेड्स कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं। पर जयपुर में अभी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। जयपुर में हमने पहले से 5,000 बेड चिन्हित कर रखे हैं और सभी अस्पताल प्रतिनिधि ने वहाँ पर हाँ भरी है कि हम पूरी तरह तनमन धन से आपके साथ हैं। तो बेड की स्थिति हमारे पास 5,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। आज तारीख में जयपुर में सभी जिलों के मिला के और राजस्थान स्टेट सब जिलों में मिला के 786 लगभग पेशेंट एडमिट हैं। तो हमारे बेड की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, पूरी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद भी बेड की अवस्था होगी तो हमारे CHC PHC लेवल पर और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हम उपयोग करेंगे। राजस्थान में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, जिससे पता चलता है कि सूबे में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। मरुधरा में कोरोना की भयावह रफ्तार 12 अप्रैल 5,771, 11 अप्रैल 5,105, 10 अप्रैल 4,401, 9 अप्रैल 3,970, 8 अप्रैल 3,526, 7 अप्रैl 2,801। तो कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दिल सहम जाता है कि कोरोना से लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। राजस्थान में कोरोना से मौत 12 अप्रैल 25 मौत, 11 अप्रैल 10 मौत, 10 अप्रैल 18 मौत, 9 अप्रैल 12 मौत, 8 अप्रैल 20 मौत, 7 अप्रैल 12 मौत, 6 अप्रैल 13 मौत, 1 अप्रैल 4 मौत, 5 अप्रैल 12 लोगों की मौत। राजस्थान के 5 जिलों में कोरोना सबसे ज्यादा फैल रहा है। टॉप 5 जिलों में कोरोना की रफ्तार बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। 12 अप्रैल तक इन 5 जिलों में कोरोना के एक्टिव केसों पर नजर डालिए। मरुधरा के टॉप 5 कोरोना संक्रमित जिले जयपुर 6,627 एक्टिव केस, जोधपुर 5,004 एक्टिव केस, उदयपुर 4,328 एक्टिव केस, कोटा 3,312 एक्टिव केस, भीलवाड़ा 1,953 एक्टिव केस। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होगी। कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी होगी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी ताकि सब महफूज रह सके। आशुतोष शर्मा, Zee Media, जयपुर।